आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स, जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीर क्यों नहीं रखनी चाहिए, या यूं कह लीजिए कि पूजा घर में मृत लोगों की तस्वीर क्यों नहीं लगानी चाहिए। वैसे तो लोग अपने घर में बहुत सी तस्वीरें लगाते ही हैं, पर हिंदू धर्म में मृत लोगों की तस्वीर घर के अंदर लगाना अशुभ माना जाता है, खास करके पूजा घर में। हिंदुओं की एक खासियत होती है कि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक निर्धारित परंपरा का पालन करते हैं। सिर्फ पर्व त्यौहार और उत्सव के दौरान ही नहीं, बल्कि आम दिनचर्या के जीवन में भी धर्म, परंपराओं और भगवान की पूजा पाठ का ख्याल रखा जाता है। हिंदू धर्म में रोज घर में पूजा पाठ करना अनिवार्य माना गया है। हर घर में मंदिर होता ही है। आम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि पूजा घर में खंडित मूर्ति, किसी प्रकार का कूड़ा या इस्तेमाल ना हो रही वस्तुएं इत्यादि नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा पूजा घर में गलती से भी मृत लोगों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर की बात कर रहे हैं, लोग रखते हैं क्योंकि पूर्वजों को पूज्य मानते हैं। वास्तु के अनुसार तो घर के पूजा स्थल पर पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। किसी भी जीवित सदस्य की तस्वीर भी उत्तर, पूर्व, उत्तर या पूर्व तीनों दिशाओं में लगाई जा सकती है। पूजा घर में मृत व्यक्तियों की जो तस्वीर है नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार मृत पूर्वजों की फोटो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण या पश्चिम में लगानी चाहिए, जबकि पूजा घर हमेशा उत्तर पूर्व में बनवाना चाहिए। तो वास्तु के अनुसार पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीर रखने से घर में शांति नहीं रहती है, ये एक्चुअल रीजन है। और अगर आप वास्तु को मानते हैं तो वास्तु की दृष्टि से घर के पूजा स्थल पर पूर्वजों की तस्वीर एक्चुअल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। कुछ तमिलों का मानना है कि मृत लोग देवदूत बन जाते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं, इसलिए उनका विश्वास होता है कि पूजा घर में भगवान के साथ मृत लोगों की तस्वीर रखने से और उनकी पूजा करने से शांति और सद्भाव का प्रसार होता है। ऐसा करने से वो भगवान के काफी निकट महसूस करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में चली जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू सिर्फ आत्मा की पूजा करते हैं, शरीर की नहीं। इसलिए शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। इसलिए अगर भगवान के साथ मृत व्यक्ति की पूजा होती है तो उसे भगवान की निंदा ही माना जाता है। तो यह सब मेन रीजन है कि हमें क्यों नहीं रखना चाहिए। और यदि आप इस कर्म में कार्य नहीं करते हैं तो आपके घर में अशांति बढ़ेगी, झगड़े होते रहेंगे। असल में हिंदू संस्कृति के अनुसार हिंदू धर्म में आत्म तत्व को उपासनीय माना गया है। आत्म तत्व, वही आत्मा वाली बात आ जाती है। तो ये रीजन है कि क्यों हमें मृत व्यक्तियों की तस्वीर पूजा स्थल में नहीं रखना चाहिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।